पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा महाराष्ट्र से लेके भोपाल का सफर बहुत ही अच्छा रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है अगर हम पैदल यात्रा में निकले हैं तो हुई है मुझे, महाराष्ट्र में भी हुई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिक्कत रात के समय पे भोपाल में भी हुई है। हाँ, आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें आपने कहा कि मालेगांव जैसा भोपाल में भी हो सकता है, उसका क्या कहना चाहती थी, क्या कारण रहे, क्यों आपको आखिरकार ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो डालना पड़ा? देखिए, पुलिस वाले अपना काम है ना अच्छे से नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं जहाँ से मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र में, हमें जो सिक्योरिटी मिली थी वो इतना ज्यादा ख्याल रखते, एक माँ कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती, वैसा हमारा ख्याल रखा जा रहा था महाराष्ट्र के अंदर। एमपी के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होने के कारण थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन इधर उधर हुआ। चलो, दिन में वो हमारे साथ नहीं रहते, कई दफा तो वो नहीं रहते, हम कंप्लेन नहीं करते, लेकिन रात में ऐसा हो गया। भोपाल में मुझे पता चला कि थोड़ा सा भोपाल अलग तरीके का है, जगह मालेगांव की तरह है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो मैं कहीं ना कहीं डर गई, जहाँ 10 लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वहां पर 90 लोग प्यार दे रहे। मैंने देख, आप लोगों ने देखा होगा, स्वागत सत्कार कर रहे, फूल माला मेरे ऊपर डाली जा रही है, बहुत प्यार बहुत सम्मान मिल रहा है। तो जो डेथ थ्रेट होते हैं, रेप थ्रेट्स होते हैं, गालियां होती, कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर करते हैं। आपको कब लगा कि आप अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, आप पैदल यात्रा करें, किस तरीके से आपको सोच आई, क्या कहेंगे? बचपन से ये सोच, देखिए बचपन में इतना मालूमात नहीं था राम मंदिर मस्जिद ये वो, क्योंकि उस माहौल में मैं वैसे पैदा हुई नहीं हूँ। सिक्योलर माहौल रहा है, हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस है मुझ पे बहुत ज्यादा। बचपन से जो चीजें मैंने देखी है तो कहीं ना कहीं है, राम भक्ति बचपन से है, ऐसा नहीं कि अभी से ये उमड़ा है मेरे ऊपर। आपको जो जिस तरीके से कमेंट आते हैं या जो लोग फ्लैग दिखाने या आपके समाज के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपको उस चीज से डर लगता है क्या? देखिए, नहीं डर लगता है, राम जी मेरे साथ है, ये झंडा दिख रहा है आपको, राम जी मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ है। माँ बाप भी एक भगवान का रूप होता है, आप जैसे हिंदू धर्म में बताया जाता है, तो बस मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं है।